योगी सरकार अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करती है, जिससे मरीज अस्पताल में जाकर बेहतर स्वास्थ्य लाभ ले सके। प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक भी सूबे भर में घूम घूम कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में जुटे हैं, लेकिन अस्पताल में कर्मचारी और अधिकारी उन्हीं की कोशिशों को धता बताने में तुले हैं। उस वीडियो में वो हमारे संज्ञान में है, उस वीडियो में वो संबंधित व्यक्ति किसी महिला से पैसा ले रहा है, इंजेक्शन वाला तो हमने नहीं देखा है, उसके लिए हमने अधीक्षक से बात किया है। मामला श्रावस्ती के इकोना स्थित सीएससी का है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ न सिर्फ गैर प्रशिक्षित लोग अस्पताल में आने वालों को एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगा रहे हैं, बल्कि एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के नाम से भोले भाले लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है। हैरानी की बात तो देखिए, जब इस मामले में जिले के सीएमओ से बात की गई तो महोदय बता रहे हैं कि वीडियो प्रकाश में आया है, मामला संज्ञान में है, वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ एफआईआर कर कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा है कि अगर कोई अपने यहाँ का है तो उसको नियमानुसार दंडित किया जाएगा, अपना कर्मचारी है, और अगर बाहरी व्यक्ति है तो उसके खिलाफ हमने एफआईआर के आदेश उनको दिए हैं कि एफआईआर करवाएं। और ऐसे अवांछित तत्व जो है, अगर बाहरी व्यक्ति है तो अवांछित तत्व हॉस्पिटल में प्रवेश न करें। हॉस्पिटल में एक प्राइवेट आदमी काम कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, तो विभागीय कार्रवाई क्या करेंगे आप, वहाँ के अधीक्षक के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? सख्त हिदायत जारी कर रहे हैं, लेटर जारी कर रहे हैं अधीक्षक को कि ऐसे बाहरी व्यक्तियों को रोका जाए और अगर कोई मिलता है तो उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। आरोप है कि ये सारा गोरख धंधा सीएससी अध्यक्ष की छत्र छाया में फल फूल रहा है। आरोप ये है कि इकोना सीएससी में जगह जगह अधीक्षक के दलाल एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाकर लोगों से मोटा पैसा ऐंठते हैं, लेकिन जब मीडिया से सवाल किया गया कि सीएससी अधीक्षक के ऊपर क्या कार्रवाई होगी तो सीएमओ साहब मामले का गोल मटोल जवाब देने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अस्पताल में बाहरी लोगों के आने और आकर मरीजों को इंजेक्शन लगाने के मामले में जिम्मेदार कौन, आखिर किसने इन्हें लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक दिया, आखिर ऐसे संवेदनशील मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारी मौन क्यों हैं?